नहीं आई थिंक एक एक बहुत ही अच्छी एक एक प्लेटफॉर्म है और ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हम हमें ये चांस मिल रहा है, बहुत कम को एक्चुअली इतना चांस भी मिलता है कि वो आगे आप सबके सामने आके कह सकें कि भैया हम कुछ कर रहे हैं, आप भी करिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम दिखाएं कि हम कितना कर रहे हैं, बबीता जी इतनी और करण यू नो जितना ये लोग कर रहे हैं, मेरा यहाँ आना एक उसका एक पहलू है, एक उसका पार्ट है एंड आई एम प्लेइंग दैट पार्ट, सो आई एम वेरी प्राउड एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। क्या कुछ फीलिंग थी जब बबीता जी ने आपको कहा कि यहां पर आना है, क्या रिएक्शन था आपका? मेरा एक्चुअली उस वक्त जब हम लोग की बात हुई थी, उस वक्त बहुत ही फ्रेश ये यू नो ये हादसा हुआ था, उस वक्त हम सभी बहुत ही चिंतित थे और आज भी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि न्यूज़ जो होती है वो एक महीने तक चलती है, उसके बाद फिर दूसरी आ जाती है, लेकिन जो डैमेज वहाँ हुआ है वो एक महीने में सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये इवेंट हम अभी कर रहे हैं इस वक्त, और आप कहीं नहीं सुन रहे हैं कुछ हो रहा है, क्योंकि वो न्यूज़ चैप्टर हो गया है। मैंने इनफैक्ट नेपाल अर्थक्वेक के लिए पब्लिकली कुछ नहीं किया है जी। मेरे एक दोस्त हैं रोहन श्रेष्ठा, वो गए थे वहाँ पे और काफ़ी लोग बल्कि गए थे, तो उनके हाथों हमने काफ़ी सामान भिजवाया था लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं है उसका ढिंडोरा पीटे, लेकिन हाँ अपने से जो हो सका वो किया। उन लोग को तो पीटना चाहिए, क्योंकि उन लोग को हम लोग फॉलो करते हैं, उन लोग को हम लोग वी लुक अप टू देम, वी लुक अप टू पीपल लाइक बबीता जी, करण हुआ एक्चुअली देयर हुआ वर्किंग, और बच्चन साहब तो मतलब एक एक हमारे हमारी फेस है, मैंने सुन रहा है ज़रूरी है उनके। बबीता जी हम देख रहे हैं अली फजल यहाँ पर हैं, कोची रहना हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, इस कॉज के लिए इतना सब कुछ हो रहा है, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस कॉज के जरिए लोगों को, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे एज ए सोशल वर्क? एज ए सोशल वर्क बबीता वर्मा, मेरी एनजीओ जो स्मर्ट्स है, आज हमने देखा कि जो जो नेपाल में त्रासदी हुई है, जो भूकंप आया है, भूकंप का शब्द में ही एक कंपन है, एक डर है, और वो इतना बड़ा हादसा हमारे साथ होने के बाद, आप देखेंगे हमारे नेपाल से भी काफ़ी लोग मेरे साथ आए हुए हैं, काफ़ी नेपाल के फोटोग्राफर वगैरह आए हैं, काफ़ी नेपाल के भी लोग आए हैं, नेपाल के जो गवर्नर साहब हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई है, यादव जी से उनसे मेरी डायरेक्ट बात हो रही है, और इवन हमारे स्मर्ट्स ने ये भी सोचा है कि जब हम लोग वहाँ जाएंगे, जो 17 ज़िले ख़त्म हुए हैं उसमें से हमारा एक छोटा पहल रहेगा कि हम लोग अली के साथ और हम लोग हमारी टीम जब वहाँ जाएगी तो हम लोग एक गाँव गोद लेंगे। बबीता जी नेपाल में हुआ हादसा लेकिन इंडिया में भी कई जगहों पे हुआ, तो वहाँ के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि